Hello friends, I am Jagjeet and welcome you all on YourPedia Education. So today I am here with the new notification in the Department of Atomic Energy Nuclear Fuel Complex NFC ke andar. Okay, and jo ye vacancy hai basically stipendary training category 1 ke liye hai. Okay, ab number of vacancy ki baat karein to 39 vacancy hai iske andar and ye aap code yaad rakhna yahan pe. Okay, post code kya hai 21911. Okay, ab agar hum log ye post ki baat karein to majorly diploma wale students ke liye hai ye. मैकेनिकल के अंदर टोटल 16 वैकेंसी एंड मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा के अंदर. ओके, केमिकल वालों के लिए है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल, आर्किटेक्चर एंड ऑटोमोबाइल के लिए. एंड अगर केमिकल बीएससी केमिस्ट्री की है उसके लिए भी है एंड हॉर्टिकल्चर के अंदर भी है. तो टोटल 39 यहां पे आपके पास वैकेंसी है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए. अब अगर हम लोग बात करें इसके अलावा और भी कुछ वैकेंसी निकली है, जैसे देख सकते हैं फिटर टर्नर, लेकिन ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है. तो हम डायरेक्टली वहीं पे जाते हैं जहां पे एलिजिबिलिटी वगैरह है. ओके, तो सिंपली अगर हम लोग देखें नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो हमारे काम की चीज है यहां पे, ये देख सकते हैं आप लोग. ओके, सिलेक्शन प्रोसेस. और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में आएगा कि सर इसके बाद हमें ये 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, कि हमारा इसके बाद बनेगा क्या, क्या हमको मिलने वाला है. ओके, तो इन लाइनों को बड़े ढंग से पढ़ना है आप लोगों ने. सो द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रेलिवेंट ट्रेड एंड मीटिंग द स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनएफसी कोटा ZCP एंड BARC PRP एंड ये आपके पास कुछ है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर. ओके, तो 2 ईयर की ट्रेनिंग होगी आपके पास. 2 ईयर की ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होने वाला है? पीरियड कंसिस्ट ऑफ 6 मंथ्स ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग एंड 18 मंथ्स इन प्लांट और ऑन द जॉब ट्रेनिंग होने वाली है. एंड जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा, द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग विल बी असेस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग पीरियड एंड द ट्रेनिंग स्कोर, मिनिमम स्कोर इज 50%. तो आपको स्कोर मिलेगा कुछ, वो रखेंगे आपका क्राइटेरिया सिलेक्शन का स्कोर का. तो अगर मिनिमम 50% स्कोर इन ईच ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल, कौन कौन सा ट्रेनिंग मॉड्यूल था? एक क्लासरूम एंड एक आपका प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल एंड इन प्लांट ट्रेनिंग एंड फाइनल एब्जॉर्प्शन इंटरव्यू विल बी कंसिडर फॉर एब्जॉर्प्शन. तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स थ्योरेटिकल एंड इन प्लांट ट्रेनिंग है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो. और इंटरव्यू के बाद अगर आप सिलेक्ट होते तो आपको अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा. ओके, एंड कैटेगरी 1 ट्रेनिंग कौन से वाली जो हमारे पास थी? ओके, विल कंसीडर टू अब्सॉर्प्शन एज साइंटिफिक असिस्टेंट सी, जिसको सेल नंबर 1 इन लेवल 7 पे मैट्रिक्स मिलेगा. तो यहां पे अगर आप सिलेक्ट होते हो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट तो उनको साइंटिस्ट असिस्टेंट सी की कैटेगरी में उनको अब्सॉर्ब किया जाएगा. अब अगर हम लोग बात करें इसके अंदर क्या मिलने वाला है, तो ₹16,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर, ₹18,000 पर मंथ सेकंड ईयर के अंदर. ओके, एंड ₹3,000 वन टाइम ग्रांट फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड सी एंड पे इन द लेवल 44900. ओके, तो ये ड्यूरिंग द ट्रेनिंग है फर्स्ट एंड टू सेकंड ईयर. एंड अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इतना यहां पे जो बेसिकली है पे मिलने वाली है. ओके, एंड बॉन्ड की अगर बात ले तो सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग विल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग एंड आल्सो सर्व फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर अब्सॉर्प्शन इन एनएफसी, जो भी इनका यहां पे है. ओके, तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे. और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो मिनिमम 3 साल काम करोगे वहां पे. ओके, तो ये कुछ यहां पे है. अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रखे हैं इन्होंने, तो यहां पे इसको देख सकते हो आप लोग. नेचर ऑफ ड्यूटी, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो हमारे पास वैकेंसी पोस्ट थी यहां पे देख सकते हैं 21911. ओके, तो उसके लिए क्या है, एक तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका. द एप्लीकेशन हु फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कॉल्ड फॉर स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी उसके अंदर, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एंड नेगेटिव मार्क्स 1 नंबर का. टेस्ट में भी कंडक्टेड इन सिंगल और मल्टीपल सेशन एंड जनरल कैंडिडेट स्कोर लेस देन 50% मार्क्स, एससी ओबीसी कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स एंड एसटी कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 35% मार्क्स इन स्टेज 1 इज स्क्रीनड आउट. तो ये आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, कोई बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है. अगर आपने स्कोर किया तो स्टेज 2 के लिए आप जाओगे. अब स्टेज 2 के अंदर क्या है उसको भी देख लेते हैं. ऑल कैंडिडेट स्टेज 2 के अंदर इंटरव्यू, ए ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड इन स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट विल रिक्वायर टू अपियर फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एट एनएफसी. दोज कैंडिडेट क्लियरिंग इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल रिक्वायर टू अपियर फॉर पर्सनल इंटरव्यू. मार्क स्कोर इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट हैव एनी वेटेज. तो यहां पे इस टेस्ट का वेटेज नहीं, जस्ट स्क्रीनिंग है.
for selection of candidate. Final selection will be based on the performance of candidate in the interview. तो interview को बहुत अच्छे से prepare करके जाना है आपने, okay? And ऐसी vacancy के लिए कैसे interview देना है, तो YourPedia के ऊपर कुछ पढ़े भी हैं, कैसे आपने resume prepare करना है, क्या-क्या आपको ध्यान रखना है interview के अंदर, personal interview, तो वजिंदर सर की series पढ़ी है, and कुछ technical question भी देख सकते हो आप लोग, okay? Now ये बाकी वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है, तो अगर आपके लिए उसमें एलिजिबिलिटी है तो आप देख सकते हो, ओके। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या हमारे जो यहां पे बेसिकली रिक्वायरमेंट है, हमें कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह क्या आपको सबमिट करने हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूरा डिटेल इन्होंने देखा है। हाउ टू अप्लाई, तो ये वेबसाइट गिवन है, यहां पे जाके ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। नाउ यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ओके। तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड 21/12 तो 2019 आज ही पब्लिश हुई है, एंड लोकल न्यूज़पेपर के अंदर कल होने वाली है, एंड लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/1/2020 10 जनवरी लास्ट डेट है इसकी, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए इस नोटिफिकेशन के बारे में, ओके फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये नोटिफिकेशन आपको बेसिकली जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।